स्वागत दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग जानेंगे मार्केट में कि मार्केट में रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे किया जाता है, सपोर्ट लाइन ड्रॉ कैसे किया जाता है, मार्केट में ट्रेड लाइन ड्रॉ कैसे किया जाता है ना। मार्केट में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करके हम लोग जान सकते हैं कि मार्केट का एक ट्रेंड हम लोग पकड़ सकते हैं, मार्केट कहाँ से रिवर्सल होने वाला है, मार्केट कहाँ से मार्केट में बियरिश होने वाला है, मार्केट कहाँ से बुलिश होने वाला है, हम लोग बहुत आसानी से टेक्निकल एनालिसिस करके पकड़ सकते हैं ना। चलिए हम लोग देखते हैं आज ये ट्रेडिंग व्यू एक प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेडिंग व्यू में हम लोग देख रहे हैं कि ट्रेडिंग व्यू में क्या क्या है। टेक्निकल एनालाइज करने के लिए हम लोग ट्रेडिंग व्यू में कुछ टूल्स दिया हो रहता है। देखिए ये टूल्स सब जो है साइड में दिया हो रहता है ना, ये साइड में टूल्स सब दिया हो रहता है। तो हम लोग देखेंगे आज हम लोग कौन सा टूल्स दरकार है। जो भी टूल्स दरकार है, देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक लिस्ट बना लिया अपना, जो भी टूल्स है जो बार बार हमको जाके खोजना ना पड़े, यहाँ पर ये टूल्स में आकर हमको खोजना ना पड़े, इसीलिए मैंने एक यहाँ पर टूल्स एक लिस्ट बना लिया टूल्स का। आप लोग भी बना सकते हैं इसी तरह कुछ टूल्स का लिस्ट, वो कैसे बनाना है वो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। सेकेंड चीज़ क्या है कि टूल्स हम लोग को क्या क्या दरकार है। देखिए पहला टूल्स है जो हम लोग को यहाँ पर बेहतरीन बहुत ही जरूरत पड़ता है टेक्निकली एनालाइज करने के लिए, वो है ट्रेड लाइन, है ना। ट्रेड लाइन एक ये है, दो चीज़ है हॉरिजॉन्टल रे, एक है वर्टिकल लाइन, है ना। ये तीन चीज़ हम लोग को बहुत जरूरत पड़ता है। देखिए मार्केट में क्या है, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन में देखिए यहाँ पर एक सिंबल दिया हुआ है स्टार, है ना, ये स्टार करके एक सिंबल दिया हुआ है। अगर हम स्टार जो सिंबल है सिंबल को हम क्लिक करते हैं, जैसे कि स्टार है, स्टार में हम क्लिक करते हैं तो देखिए वहाँ पर जाके ऐड हो रहा है, वहाँ पर फिर चल जा रहा है, वहाँ पर जाकर देखिए पहले ऐड हो जा रहा है, यहाँ पर देखिए फिर से ऐड हो गया, इसको हम हटाते हैं तो यहाँ से हट जाएगा, है ना। तो इसी तरह आप लोग अगर स्टार में क्लिक करते रहते हैं, जो जो दरकार है स्टार में क्लिक करिएगा, यहाँ पर डैशबोर्ड में एक लिस्ट बन के चलाएगा जो आप लोग को टेक्निकल एनालिसिस करने में सुविधा होगा, यहाँ पर जा जाकर बार बार खोजना ना पड़े, है ना। तो ये तीन चीज़ आप लोग पहले ऐड कर लीजिए, जो है कि हॉरिजॉन्टल रे, एक है वर्टिकल लाइन, एक है ट्रेड लाइन, है ना। ये तीन चीज़ आप लोग को जाके ऐड कर लीजिए। सेकेंड चीज़ हम लोग क्या देखना है, सेकेंड चीज़ हम लोग को देखना है यहाँ पर नीचे चलाना है, नीचे कितना नंबर में आना है। ये दूसरा नंबर में हम लोग दिखाएं, यहाँ पर हमको ट्रेड लाइन मिल जाएगा, वर्टिकल लाइन मिल जाएगा, यार हम लोग को दिखाई दे रहा है कि एक दो तीन चार पाँच छः नंबर में अगर आते हैं, छः नंबर में आके हम लोग क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर साइड में अगर क्लिक करते हैं, साइड में क्लिक करने के बाद एक लिस्ट चला आता है। तो लिस्ट आके हम लोग क्या करते हैं, रीट एंगल और एगो है रोटेटेड रीट एंगल, ये दो चीज़ हम लोग को ऐड कर लेना है अपना लिस्ट में, है ना। ये टेक्निकल एनालिसिस का लिस्ट में हम लोग को ऐड कर लेना है ये दो चीज़, कहा ये दो चीज़ हम लोग को जरूरत पड़ता है टेक्निकल एनालिसिस करने में। तो चलिए मार्केट में हम लोग देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है। पहले हम लोग देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे करके निकाला जाता है। आप लोग जानते हैं कि बढ़िया से कि सपोर्ट रहता है नीचे और ऊपर रहता है रेजिस्टेंस, है ना, ये ऊपर में रहता है रेजिस्टेंस। तो हम लोग जब दिखाई दे रहा है मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे करके निकाला जाता है, पहले हम लोग ये जानेंगे। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने के लिए जैसे कि आज का खेला हुआ, तो आज का खेला हम लोग क्या क्या कैसे करके हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते थे, कैसे कैसे करके हम लोग जान सकते थे मार्केट में क्या क्या होने वाला। तो पहले देखिए एक दिन का ई करने से एक दिन का आप लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो नहीं होगा। तो टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप लोग को पहले दिन में ही कर लेना पड़ेगा, खाता कलम लेके आप लोग को लिख लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है मार्केट में, हम ऐसे करके एक मार्केट में लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ट्रेड लाइन हम ड्रॉ कर दिए मार्केट में, हमको दिखाई दे रहा है कि मार्केट बार बार यहाँ पर ही जा रहा है, जाके अपना रेजिस्टेंस लेके बार बार नीचे तरफ आ रहा है। तो इसमें क्या हम लोग समझ में आ रहा है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है ना, ये एक मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो मार्केट में क्या हुआ, हम लोग को दिखाई दे रहा है कि मार्केट में इस जो डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड को अपना तोड़ दिया, है ना, ये डाउन ट्रेंड को अपना तोड़ दिया। तो डाउन ट्रेंड को जब तोड़ा तो मार्केट एक बार डाउन ट्रेंड को तोड़ने के बाद मार्केट दिखाई दे रहा है हम लोग को बुलिश नजर आ रहा है मार्केट में, है ना। मार्केट में क्या हो रहा है, हम लोग को एक बुलिश नजर मूवमेंट मिल गया। तो हम लोग को इसी तरह करके आइडेंटिफाई करना पड़ता है डाउन ट्रेंड में, हम लोग इसी तरह करके एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ट्रेड लाइन। तो जब भी ट्रेड लाइन मार्केट में ब्रेकआउट करता है तभी जाके हम लोग को एक मालूम चल जाता है कि मार्केट में एक हम लोग को बुलिश ट्रेंड दिखाई देगा। कहाँ तक बुलिश ट्रेंड दिखाई देगा, तो हम लोग को ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि बुलिश ट्रेंड दिखाई देगा कि हम लोग को मार्केट में जो भी सपोर्ट, जो भी रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो कहाँ रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है जो हम लोग को यहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, जो मार्केट में ये एक रेजिस्टेंस हम लोग के पास निकल के आ रहा है ना, ये एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। देखिए कैसे करके रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है ये भी बात समझ लीजिए, कहा कि बार बार मार्केट जो है यहाँ पर तोड़ा, मार्केट तोड़ने की कोशिश कर नहीं तोड़ा, फिर से इसको यहाँ पर मार्केट तोड़ दिया। तोड़ने के बाद क्या किया, बार बार मार्केट यही
यहाँ पर ही जाकर मार्केट बार बार नीचे घूमा है ना, यहाँ पर जाकर बार बार मार्केट घूमा है। तब देखिए क्या किया, ये रजिस्टर, ये जो ट्रेड एंगल लाइन दिखाई दे रहा है हम लोग का ट्रेड लाइन, ये ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद क्या किया मार्केट की, ब्रेकआउट करने के बाद ये जो एक रेजिस्टेंस हम लोग को दिखाई दे रहा है मार्केट वहां तक पहुंच गया है ना। मार्केट देखिए वहां तक ही पहुंच गया। कहीं जब भी एक ट्रेड लाइन को तोड़ता है मार्केट, तोड़ने के बाद क्या करता है हम लोग को रेजिस्टेंस खोजना पड़ता है कि मार्केट जाने वाला है कितना दूर ऊपर। तो हम लोग को दिखाई दे रहा है कि ऊपर में बार बार मार्केट यहाँ से ही घूम के आ रहा है, बार बार मार्केट यहाँ से घूम के आ रहा है। तो इसका मतलब यही एक रेजिस्टेंस है, इसको अगर तोड़ देगा तो मार्केट में नेक्स्ट हम लोग को रेजिस्टेंस जो दिखाई देगा, तो हम लोग को नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिखाई देगा हम लोग का यहाँ पर, है ना। हम लोग यहाँ पर एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है कि मार्केट में हम लोग एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ तक हम लोग को मिलेगा, जो मार्केट बुलिश होने से मार्केट को वहाँ पर कहे किस लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, है ना। कहें कि आप लोग को देखिए सीखना पड़ता है, धैर्य धर के थोड़ा सा सीखिए, वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करके ना देखें, कहें कि स्किप करके देने से आप लोग को समझ में आएगा नहीं। कहें कि मार्केट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप लोग ड्रॉ करना नहीं जानते तो मार्केट में आप लोग कैसे करके ट्रेड करिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ से मार्केट किस लिए घूम के आए, कहीं इसलिए घूम के आया कि मार्केट में एक ये सप्लाई जोन है ना, मार्केट में ये एक सप्लाई जोन है। तो सप्लाई जोन किस वजह से हम इसको सप्लाई जोन बोलेंगे, इसी वजह से आप मार्केट में इसको सप्लाई जोन बोलेंगे कि मार्केट बार बार जो है यहाँ से घूम घूम के नीचे तरफ आया है। मार्केट में यहाँ पर सप्लाई हो रहा है, मतलब मार्केट में यहाँ पर कुछ डिमांड नहीं है, सप्लाई यहाँ पर मार्केट जा रहा है, यहाँ पर सब मार्केट में सब बिकवाली चालू कर रहा है, मतलब बेच रहा है मार्केट में, है ना, सब पुट खरीदना चालू कर दे रहा है मार्केट में, है ना। यहाँ पर आके बार बार चुप, इसलिए एक सप्लाई जोन हो गया। तो मार्केट में देख रहे हैं आप लोग कि ये जो ट्रेड लाइन दिखाई दे रहा है हम लोग को, ट्रेड लाइन जैसे ही ब्रेक किया मार्केट, ब्रेक करके क्या किया, ये जो मार्केट का जो भी यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है हम लोग को, ये रेजिस्टेंस तक मार्केट गया, रेजिस्टेंस को भी तोड़ दिया, तोड़ने के बाद मगर ये क्या किया सप्लाई जोन में आके फंस गया, फिर से मार्केट नीचे आ गया। इसी तरह ही करके हम लोग को टेक्निकल एनालाइज करना पड़ता है। ये बहुत बेहतरीन एक क्या बोले बेहतरीन एक टेक्निकल एनालाइज है, जो आपको कहीं भी कोई भी नहीं बोलेगा, इतना बढ़िया से नहीं समझा पाएगा मार्केट में, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट चीज़ क्या देखते हैं, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे करके हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए आप लोग को हम थोड़ा इसको चार्ट को बड़ा कर देते हैं, तब तक आप लोग को बढ़िया से समझ में आएगा, है ना। तो मार्केट में आज क्या हुआ, मार्केट में देखिए यहाँ पर एक गैप, जब भी मार्केट देखिए जो गैप होता है ना, गैप को छोड़ता नहीं, गैप को फिलअप करता है, ये एकदम आप लोग याद रखिए। जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है तो मार्केट में गैप उसी दिन भरबे करेगा, क्योंकि आज एक्सपायरी डे था। तो मार्केट में हम लोग को समझ में आ गया कि मार्केट बाय बियरिश होने वाला है, किस वजह से कि हम लोग को एक सपोर्ट मिल गया, जो सपोर्ट हम लोग को एक रेजिस्टेंस मिल गया स्ट्रांगली, और हम लोग को एक जोन मिल गया, जो हम लोग को समझ में आ गया कि ये जोन में मार्केट फंसने वाला है, ये जोन से मार्केट ऊपर जाएगा नहीं, है ना। तो हम लोग को यहाँ पर ही समझ में आ गया दो चीज़ की, एक गैप अप ओपन हुआ मार्केट, ये गैप फिलअप करेगा आज बृहस्पतिवार है, और सेकेंड चीज़ हम लोग को जोन मिल गया, जोन से ही मार्केट को नीचे आना पड़ेगा, है ना। और क्या का हम लोग को देखना पड़ता है, और दूसरा चीज़ क्या है रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम लोग को कैसे करके आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे करके हम लोग निकालते हैं, पहले ये चीज़ हम लोग जानते हैं। देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग ट्रेड लाइन ले लिए, ट्रेड लाइन लेके हम लोग को क्या करना है, जो प्रीवियस डे का लो, सोच लीजिएगा हम लोग देख रहे हैं ये जो खेला है ये खेला नहीं हुआ, तो ये खेला अगर होगा तो कैसे होगा, तो हम लोग को सिंपल से क्या करना पड़ेगा, हम लोग को जाना पड़ेगा ट्रेड लाइन लेना पड़ेगा, ट्रेड लाइन लेके क्या करना पड़ेगा, हम लोग को जो प्रीवियस डे का लो वाला हाई है एक करके हम लोग को एक लाइन इस तरह का ड्रॉ कर लेना है ना, प्रीवियस डे का हम हाई और प्रीवियस डे का जो है लो, प्रीवियस डे का हाई और लो को हम लोग इस तरह के एक करके मार्केट में ड्रॉ कर लिए। देखिए मार्केट में आप लोगों को समझ में आया कि किस कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट दिखाई दे रहा है मार्केट में, अगर इसको मार्केट तोड़ देता तो कहाँ तक नीचे गिरता, तो मार्केट इसको तोड़ देता है तो उसका जो नेक्स्ट दिन मतलब प्रीवियस डे का प्रीवियस डे में जो भी खेला हुआ है उसका लोप से हम लोग को यहाँ से हम लोग को सपोर्ट दिखाई देता है, यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, या इसको तोड़ देता तो पूरा पूरी यहाँ तक मार्केट नीचे चला जाता है। तो इसी तरह देखिए मार्केट का एक रेंज होता है कि मार्केट एक रेंज में खेलता है, कि जानते हैं आप लोग निफ्टी जो है 30-40 का अंदर में ही रहता है, वही रेंज में खेलता है, ये भी आप लोगों को जानना बेहद जरूरी होता है कि मार्केट का एक रेंज होता है, वो रेंज से ज़्यादा मार्केट ऊपर नीचे नहीं करता है। तो उसका लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, जो मार्केट का आपको मालूम चल जाएगा कि आज मार्केट में कितना रेंज आने वाला है और कितना रेंज में आज मार्केट खेलने वाला है ना, उसका भी एक वीडियो में आप लोग का बहुत जल्दी बना दूंगा। तो सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड चीज़ हम लोग को देखना पड़ता है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है वो प्रीवियस डे का लो से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि मार्केट में देख लेते हैं कि यहाँ पर
जो मार्केट में जो भी खेला हुआ है, यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट में जो खेला हुआ है, तो मार्केट में जो प्रीवियस डे का जो हाई है वो हम लोग हाई को एक ट्रेड लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं और लो को जो है ट्रेड लाइन से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ना। और सेकेंड चीज में क्या है, सेकेंड चीज हम लोग को यहाँ पर हम लोग को एक लो दिखाई दे रहा है जो हम लोग को दरकार नहीं पड़ेगा। तो मार्केट में हम लोग दिखाई दे रहा है कि मार्केट में क्या हुआ, जो प्रीवियस डे का जो हाई है तो हाई से ही मार्केट देखिए ओपन हुआ है, ओपन करके मार्केट पूरा नीचे आया, कहा प्रीवियस डे का लो में आके मार्केट खड़ा हो गया है ना, मार्केट प्रीवियस डे का लो में आके खड़ा हो गया। तो इसी तरह ही हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालते हैं हर दम, कहीं भी चल जाइए आप, अगर आप लोग देखिएगा जब तक मार्केट का रेजिस्टेंस और हाई या लो नहीं ब्रेक करेगा तब तक मार्केट में कुछ नहीं होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट, जैसे कि ये खेला हम लोग देखते हैं, सोचिए कि ये खेला हम लोग देख रहे हैं कि ये खेला नहीं हुआ है, सोच लीजिए कि ये खेला नहीं हुआ था, आप लोग को क्या करना है, सुबह सुबह उठ के क्या करना है कि मार्केट का जो हाई है एक हाई को आपको लाइन टान लेना है, और सेकंड चीज क्या है इसका जो लो है वो लो में एक लाइन टान लेना है ना, ये लो लाइन टान लेना है। अगर लो अगर ब्रेक करता है, जैसे कि ये लो को ब्रेक कर दिया तो कहाँ तक मार्केट आएगा, मार्केट देखिए यहाँ तक आया, ये जो सेकंड जो हम लोग को दिखाई दे रहा है, ये जो सेकंड दिखाई दे रहा है हम लोग को सपोर्ट, ये सपोर्ट तक आया है ना। तो बिना मतलब का मार्केट कहीं से घूम के जाता नहीं है। यहाँ पर हम लोग देखिए बेहतरीन से बेहतरीन एक हम लोग को जो है सपोर्ट दिखाई दे रहा था, मगर सपोर्ट को जो है तोड़ दिया है ना, ये सपोर्ट को तोड़ दिया, कहाँ से तोड़ा, ये जो प्रीवियस डे का सेकंड जो हाई है ये फर्स्ट हाई दिखाई दे रहा है, हम लोग को सेकंड हाई दिखाई दे रहा है, कहाँ हम लोग सेकंड हाई दिखाई दे रहा है यहाँ पर है ना, एक सेकंड हाइस्ट हम लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो क्या हुआ, मार्केट सेकंड हाइस्ट में नहीं, मार्केट क्या किया अपना प्रीवियस डे का लो को तोड़ दिया, और जब भी लो को तोड़ेगा तो सेकंड हम लोग को खोजना पड़ेगा सेकंड सपोर्ट कहाँ है। तो सेकंड सपोर्ट हम लोग को दिखाई दे रहा है, कहाँ हम लोग सेकंड सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये वाला है ना, यहाँ पर देखिए सेकंड सपोर्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर तरफ मूव किया है, बहुत बड़ा मूव किया है ना। तो यहाँ से ही हम लोग को सेकंड सपोर्ट दिखाई दिया, मार्केट यहाँ से आराम से ऊपर तरफ मूव कर दिया। तो इसी तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाला जाता है हम लोग कोई भी ट्रेंड को पकड़ के लिए, हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का हम लोग को बहुत जरूरत होता है, इसलिए हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसी तरह निकलता है हर दम, आप लोग समझिएगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसी तरह निकाला जाता है। और दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज हम लोग 15 मिनट में देखते हैं कि हम लोग अगर कोई भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि हम लोग इसको क्लियर करते हैं पहले, और क्लियर करके आप लोग एक चीज़ समझा देते हैं। देखिए मार्केट में कभी भी कोई भी ट्रेंड अगर चेंज होता है ना, तो मार्केट में देखिए जैसे यहाँ पर हम लोग लेके आ गए एक ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, सोच लीजिए है ना, ये एक ट्रेंड चल रहा है कि ये डाउन ट्रेंड है हम लोग को दिखाई दे रहा है मार्केट में, और हम लोग देखेंगे कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ बन रहा है, डाउन ट्रेंड अगर ये डाउन ट्रेंड को क्या किया मार्केट, ये डाउन ट्रेंड को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके ऊपर चला गया, ये क्या करना आया, रिटेस्ट करना आया, मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर भी जा सकता है। तो हम लोग इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि मार्केट में हम लोग को देखना है कि ये सपोर्ट कहाँ बन रहा है, तो मार्केट में हम लोग को सपोर्ट दिखाई दे रहा है कहाँ पर, हम लोग को मार्केट में सपोर्ट दिखाई दे रहा है एक जो है मार्केट यहाँ पर हम लोग को एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, सपोर्ट में ही आके मार्केट देखिए खड़ा है ना, मार्केट देखिए सपोर्ट में खड़ा है। अगर मार्केट यहाँ से फिसल के गिरता है तो कहाँ तक गिरेगा, तो मार्केट अगर यहाँ से फिसल गिरता है तो मार्केट का हम लोग को यहाँ तक का बीआरएस मूवमेंट दिखाई देगा, कहीं कि मार्केट क्या है, मार्केट का ये एक डिमांड जोन है जो मार्केट बार बार आके यहाँ पर से मार्केट यहाँ से बार बार आया है और ऊपर में बुलिश मूवमेंट दिखाया है। तो यही वाला एक डिमांड जोन है मार्केट में, कहे कि मार्केट में देखिए बार बार आया है मार्केट, यही डिमांड जोन से बार बार मार्केट ऊपर तरफ मूव किया, तो इसीलिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को वेट करके देखना पड़ेगा कि मार्केट आखिर के यहाँ पर आ रहा है कि नहीं। अगर मार्केट यहाँ तक आ जाए तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि मार्केट में ये डिमांड जोन है, डिमांड जोन से ही मार्केट ऊपर जाना बोला, नहीं तो क्या करेगा मार्केट ये जो ऊपर ट्रेड लाइन को तोड़ दिया यहाँ पर रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर भाग जाएगा है ना। अगर इस लाइन को तोड़ देता है मार्केट देखिए अगर इस लाइन को तोड़ देता है, देखिए प्यार से ये जो लाइन को जो है ये लाइन अगर तोड़ देगा, देखिए वही वहाँ पर ही खड़ा है, आप लोग प्यार से तुम ध्यान से देखिए मार्केट वहाँ पर ही खड़ा है ना, मार्केट उसी जगह में खड़ा है। अगर इसको तोड़ देता है ना मार्केट, अगर इस लाइन को ये लाइन को ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट करके ऊपर गया, ऊपर करके नीचे आया, अगर इस लाइन को तोड़ दिया मार्केट, तो तोड़ने के बाद क्या करेगा मार्केट पूरा पूरी नीचे आ जाएगा। ये सब मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोग को आप लोग को डराने की कोशिश करेगा मार्केट, मगर मार्केट जो है मार्केट गिरने वाला रहेगा यहाँ तक मार्केट नीचे तक गिरेगा, कि इसलिए कहीं ये डिमांड जोन है मार्केट में, बार बार डिमांड जोन इसीलिए बन रहा है कि मार्केट बार बार आ रहा है, मार्केट वहाँ से ही मार्केट देखिए बार बार ऊपर तरफ मूव किया है ना।
ये ऊपर तरफ मूव किया है मार्केट, तो इसीलिए इसको बोला जाता है डिमांड जोन, और ऊपर में है एक सप्लाई जोन, जो मार्केट बार बार नीचे से नीचे ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो इसी तरह करके हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट में, इसी तरह ही टेक्निकल एनालाइज किया जाता है। तो मार्केट में टेक्निकल एनालाइज करना बहुत ही आसान है दोस्तों, थोड़ा सा सिर्फ आप लोग को वक्त देना पड़ेगा मार्केट में कि मार्केट का ट्रेंड किधर चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड का साथ साथ आप लोग को भी चलना है। जैसे कि मार्केट में हम लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा था कि मार्केट का ट्रेंड है बुलिश से, है ना, ये हम लोग ट्रेंड हम लोग दिखाई दे रखे, मार्केट का ट्रेंड एक बुलिश है। देखिए मार्केट का ट्रेंड जब बुलिश था, क्या हुआ, मार्केट का ट्रेंड जब बुलिश था तो क्या किया मार्केट, मार्केट का ट्रेंड जब भी बुलिश था तो मार्केट क्या किया, यहाँ पर देखिए इसको बुलिश ट्रेंड को तोड़ दिया, तोड़ के उसको एक रिटेंगल मतलब ऊपर वाला जो सपोर्ट है उस सपोर्ट में जाके एक बार वो टच किया। अगर मार्केट इसको तोड़ देता तब जाके हम लोग सोचते कि हाँ भाई मार्केट यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से हम लोग को नीचे एक मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कुछ यहाँ पर हम लोग का कोई भी एक ये नहीं बन रहा है। तो मार्केट में हम लोग क्या करना है, हम लोग दो चीज़ देखना है, अगर इसको तोड़ दिया है, जैसे कि ये लाइन को तोड़ दिया है, ये जो लाइन दिखाई दे रहा है हम लोग ये लाइन को तोड़ दिया था, हम लोग आइडेंटिफाई क्या करेंगे मार्केट में क्या क्या होने वाला, दो चीज़ का आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे करके हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे ये पहले हम लोग जानते हैं। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तब देखिए आप लोगों को ठीक से समझ में आएगा। ये जो मार्केट तोड़ दिया है टेल लाइन को, ये अप ट्रेंड था, ये अपनी डाउन ट्रेंड दिखा रहा था, इसको तोड़ दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे हम लोग का लो कहाँ है, तो हम लोग को लो दिखाई दे रहा है एक, जो नीचे में यहाँ पर दिखाई दे रहा है लो, यहाँ तक एक लो हमको दिखाई दे रहा है कि मार्केट में यहाँ तक एक लो हमको दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर एक हम छोटा ऐसा लाइन टान दिए। तो लाइन टानने के बाद आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट में वही जगह आके फिर से मार्केट ऊपर तरफ मूव किया है ना, मार्केट फिर यहाँ पर आया, फिर इस जगह से जाकर ऊपर तरफ मूव किया। तो अगर हम लोग को देखना है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड अगर कंटिन्यू बने तो कहाँ तक बनेगा, कैसे करके पकड़ेंगे। देखिए मार्केट में क्या हुआ, जब भी ऊपर तरफ गया तो ऊपर में जाकर क्या किया, जो नेक्स्ट डे में जो नेक्स्ट हाई था वो हाई में मार्केट टच करके फिर से नीचे आया, इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके क्या किया मार्केट ऊपर गया, और उसी में जाके मार्केट फिर नीचे आके ऊपर जाके फिर से नीचे आया। किस वजह से नीचे आया कि मार्केट इसको तोड़ने नहीं सक रहा, कहीं इसको तोड़ के तो नीचे आया, ये ट्रेंड लाइन को तोड़ा पहले, तोड़ के नीचे आया, नीचे आके ये अपना जो लो है लो को भी तोड़ने की कोशिश किया, ये लो को जब तोड़ा मार्केट तो लो को तोड़ा तो पूरा नीचे आ गया, नीचे आके एक बार रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है अभी हम लोग को। तो इसी तरह करके हम लोग टेक्निकल एनालाइज करते देख रहे हैं, ये डाउन ट्रेंड एक हम लोग को दिखाई दे रहा है मार्केट में, एक डाउन ट्रेंड चल रहा है बार बार मार्केट में, यहाँ पर जा रहा है नीचे आ रहा है, नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है ना। तो इसको भी अभी तोड़ दिया, तोड़ने के बाद क्या किया कि मार्केट में जो यही एक सपोर्ट है, यही सपोर्ट से देखिए फिर से वहाँ पर जाके मार्केट नीचे आ रहा है ना, मार्केट नीचे आ रहा है, कहाँ तक नीचे आएगा मार्केट, तो मार्केट हम लोग एक यहाँ पर जोन दिखाई दे रहा है जो मार्केट यहाँ तक नीचे आ रहा है, तो इसी का बीचों बीच मार्केट फंसा हुआ है, जब तक इसको नहीं तोड़ेगा ऊपर नहीं जाएगा, जब तक इसको नहीं आएगा तो मार्केट नीचे नहीं आएगा। तो मार्केट में इसी तरह करके हम लोग टेक्निकल एनालाइज करते हैं। और प्राइजेशन क्या है कि प्राइजेशन को हम लोग को पकड़ना है कि प्राइजेक्शन क्या ले रहा है, तो वो टेक्निकल एनालाइज करके हम लोग प्राइजेक्शन को पकड़ते हैं कि जैसे कि मार्केट में प्राइस जो चल रहा है अभी सोच लीजिए मार्केट में प्राइस चल रहा है कि 19,500, तो मार्केट यहाँ पर हम लोग दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आके प्राइस क्या एक्शन ले रहा है उसी को हम लोग टेक्निकल एनालाइज करके हम लोग समझते हैं कि प्राइस एक्शन क्या लेने वाला, कि मार्केट में प्राइस नीचे डाउन ट्रेंड में जाएगा, मार्केट में ऊपर अप ट्रेंड में जाएगा, तो यही चीज हम लोग को देखना है। अगर मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में जाता है हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो ये जो हाई है ये जब तक तोड़ेगा नहीं मार्केट ऊपर तरफ निकलेगा नहीं, है ना, इसको तोड़ेगा तभी जगह मार्केट में निकलेगा। तो यहाँ से हम लोग का एक बुलिश भी ट्रेंड नजर आता है या तो यहाँ से एक बेयर ट्रेंड नजर आता है, तो हम लोग को कैंडल देख के मालूम चल जाता है कि मार्केट में क्या ट्रेंड होने वाला है। तो इसीलिए कैंडल भी आप लोग को थोड़ा सा जानना बेहद जरूरी होता है, इसलिए हम कैंडल्स का भी एक वीडियो लेके चलाएंगे जो आप लोगों को समझ में आएगा कि मार्केट में जो बियरिश ट्रेंड है या बुलिश ट्रेंड है, या तो आप लोगों को दिखाई देगा जो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ से कैसे करके रिवर्सल होने वाला है, आप लोग बहुत आसानी से आप लोग पकड़ सकते हैं, है ना। देखिए मार्केट में हर दम एक ही चीज खेलता है मार्केट, देखिए आप लोग को मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग को दिखाते हैं यहाँ पर एक लाइन बॉक्स बनाया था मार्केट बॉक्स बना के यहाँ तक कहाँ तक नीचे आया, इसका जो हाई है ये हाई तक हम लोग को दिखाई दे रहा था कि मार्केट क्या किया कि हाई जो है इसका ये हाई को ब्रेकआउट कर दिया, पहले ब्रेकआउट किया नीचे आया, ये हाई में टच किया मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाके नीचे आया, फिर से एक टच किया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके तोड़ दिया मार्केट को, कहाँ तक तोड़ा ये भी हम लोग को जाना बेहद जरूरी होता है। तो यहाँ तक तोड़ा जो लास्ट जो लो है मार्केट में, जो हाई लो लगा के जा रहा है मार्केट का जो हाथ
लास्ट लो है वो लो में टच करके मार्केट एकदम बुल रन दे दिया, ऊपर तरफ दे दिया। इसको देखिए तोड़ते हुए चला गया मार्केट में, एक बुल रन हम लोग को दिखाई दे दिया। तो इसी तरह करके आप लोग टेक्निकल एनालिस कर सकते हैं मार्केट में, बहुत ही आसान है, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है। आप लोग अगर चार्ट में कुछ दिन तक इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि मार्केट में ट्रेंड हरदम पकड़ना है, ट्रेंड किधर है, अगर अप ट्रेंड है ना डाउन ट्रेंड है। हम लोग को यही चीज आप लोग को आइडेंटिफाई करना है ट्रेड लाइन से कि मार्केट में ट्रेंड किधर है, अप ट्रेंड है ना डाउन ट्रेंड है ना। इसी तरह करके मार्केट में हम लोग को एनालाइज किया जाता है। हर एक स्टॉक में देखे, बैंक निफ्टी में देखे, निफ्टी में देखे, फिन निफ्टी में देखे, कहीं भी देखे, आप लोग इसी तरह करके आप लोग एक ट्रेड लाइन खींच सकते हैं, खींच के आप लोग जान सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या होने वाला है। अप ट्रेंड अगर होगा तो अप ट्रेंड में आप लोग को हाई लो मार्क कर लेना है और हाई लो में ही आप लोग को ट्रेड करना है ना। तो आस्ते आस्ते इसको सीखते रहिए और इसी तरह ट्रेड लाइन आप लोग ड्रॉ करके प्रैक्टिस करते रहिए मार्केट में, ताकि प्रैक्टिस ही जो है आपको सफलता देगा, सफलता का रास्ता दिखाएगा, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएगा। ताकि आप लोग अगर प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते करते आप लोग का जो है नॉलेज भी बढ़ता रहेगा मार्केट में कि ट्रेड लाइन कैसे काम करता है। कि एक दो दिन में आप अगर सोचिएगा कि हमको ट्रेडर बनना है तो एक दो दिन में कोई भी इंसान ट्रेडर नहीं बनता, ट्रेडर बनने के लिए थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है। कहें कि डॉक्टरी इंजीनियरिंग जो भी कोई भी कुछ भी पढ़ता है तो उसके लिए थोड़ा वक्त देना पड़ता है मार्केट में, है ना। सो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कॉमेंट करिएगा कि मार्केट में और मार्केट के लिए कुछ भी जानना है, कुछ भी सीखना है तो आप लोग कमेंट में सियोर से कमेंट करिएगा क्या सीखना है। और बेल आइकन को दोस्तों दबा लीजिएगा ताकि कोई भी मेरा नया वीडियो आए इस चैनल पे तो आप लोग के पास एक नोटिफिकेशन चल जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों ट्रेड करते रहिए आराम से, कोई भी हड़बड़ी नहीं है, ट्रेडर आप एक दिन में नहीं बन सकिएगा। आस्ते आस्ते सीखते रहिए, समय देते रहिए, डेली आके कम से कम अपना चार्ट देखिए, अपना जो ट्रेडिंग व्यू है ना 10 को लिस्ट बना लीजिए, स्टॉक का, इंडेक्स का 10 को लिस्ट बना लीजिए, 10 को में आके डेली एनालाइज करिए, टेक्निकल एनालाइज करिए, लाइन ड्रॉ कर करके रखिए, कहाँ ब्रेकआउट किया, कैसे ब्रेकआउट किया, कहाँ से मार्केट घुमा है, ये आप लोग अगर एक महीना करते हैं कंटिन्यू, डेली एक घंटा समय दीजिए। अगर आपका ऑफिस है, ऑफिस से आके भी कोई भी काम करते हैं, काम से आके अभी आप लोग रात को आके एक घंटा अपना लैपटॉप हो या मोबाइल हो, आप लोगों को ट्रेड लाइन लगा के छोड़ देना है और नेक्स्ट डे में आके देखना है कि ट्रेड लाइन कहाँ ब्रेक किया, कैसे ब्रेक किया। तो इस तरह करके क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपका लिए मार्केट जो है बहुत आसान होता जाएगा, ये चार्ट जो है जो आपके पास बहुत आसान होता जाएगा। जब तक मार्केट और ये चार्ट आपके पास आसान नहीं होगा, ये डराते रहेगा आपको, डरने से ये मार्केट कभी भी, मार्केट से अगर आप डरते हैं तो कभी भी आप पैसा नहीं या एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाइएगा, है ना। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, सो धन्यवाद आप सभी का जो इतना समय देखे, मेरा वीडियो देखे हैं। सो जय हिंद, वंदे मातरम।